हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, मैंने जया का चैनल देखा था, आई लव करंच, और मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैम आप जया के ऊपर एक वीडियो बनाओ, उनका चैनल डिलीट हो गया है। तो जया बेटा, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियो देख भी रही थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। मेरे ख्याल से आप स्वेलो बहुत कम करते थे, क्योंकि मैंने आपकी कुछ वीडियो देखी है। तो जया बेटा, मैंने आपकी वीडियो देखी, जब आप क्ले क्रंच करते हो, थोड़ी देर में स्वेलो करते हो कि नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप अपना कट मार देते हो अपनी वीडियो में। तो इसका मतलब हो सकता है आप स्वेलो नहीं करते होंगे। आप तो फिर भी बहुत कम क्रंच या ईटिंग करते थे, स्वेलो कम करते थे, आप कट मार देते थे बीच बीच में अपनी वीडियो में, तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन बेटा, मैं आपसे ये बोलूंगी, आपका नेगेटिव पॉइंट आपका ये है कि आप सारी एडवाइस क्ले क्रंचर से ही क्यों लेते हो। समानो, मैं आपको यही बोलूंगी कि बेटा आप प्लीज इस तरह की वीडियो मत बनाओ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। हम भी आपके साथ हैं और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भी आपके साथ हैं। अगर फिर भी आप क्ले से रिलेटेड दीदी के साथ मिलके चलोगे, उनसे राय लोगे, क्योंकि तो इतनी गलती करने के बाद भी अगर आप नहीं छोड़ते ये सब चीजें, तो कोई आपका साथ नहीं देगा, और यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा और ना आपके भगवान जी आपके साथ रहेंगे। मतलब कितने लोग आपको समझा रहे हैं, कितने लोग समझा रहे हैं, आज सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप फिर भी सब लोगों को छोड़ के और क्ले दीदी की बात मानोगे या उनसे मिलके चलोगे, तो बेटा आप अपने शरीर को खोखला बना रहे हो, मैं तो यही जानती हूँ। उसके तो दो बच्चे हैं, उसकी शादी भी हो गई है, तो किसी तरह की टेंशन नहीं है। उसको कितना समझाया लोगों ने, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बस उसको दीवार पे सिल्वर बटन चाहिए, सिल्वर बटन के चक्कर में वो कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी बोलो उसकी फैमिली को, वो सब बर्दाश्त करिए, उसे सिल्वर बटन चाहिए। ठीक है, उसने तो अपना टारगेट बना लिया, घर हो गया, अब सिल्वर बटन उसको चाहिए। ठीक है, तो अब उसके साथ भगवान नहीं है। भगवान ने बहुत अलर्ट किया उसको भी, लेकिन उसने नहीं सुना, और उसके साथ कोई नहीं है। अब आपको भी बार बार अलर्ट कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी है। और आपकी इतनी सुंदर लाइफ है, आप अपने शरीर को खोखला बना दोगे, बीमारियों का घर बना दोगे, और कोई आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, अगर आप भगवान जी की बात मानते हो और अच्छा कंटेंट लेके आते हो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हो, तो सब लोग आपके साथ हैं। ये आपकी लाइफ का डिसीजन है, हम आपको समझा सकते हैं, डिसीजन आपको लेना है, सही क्या है, गलत क्या है। आप बहुत समझदार लड़की हो, आप सब जानती हो कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप जैसी संगत में रहोगे वैसे ही आपको लोग अपने में ढाल लेंगे। अच्छे लोगों की संगत में रहोगी तो अच्छे लोग अपने आप में ढाल लेंगे, तो उससे कुछ आपको फायदा भी हो सकता है। और जो बकवास लोगों के साथ रहोगे वो आपको इस तरह की ही बातें करेंगे, मिट्टी खाने वाली। तो बेटा, आपकी एज बहुत कम है, आपकी बहुत सुंदर लाइफ आपका इंतजार कर रही है, और आपकी मर्जी बेटा। तो बेटा, अगर कोई मैंने आपको कुछ गलत बोला तो मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए, और आप हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो, और आप स्वस्थ रहो, और इन चीजों से दूर रहो, इन चीजों की लत में मत पड़ो। आपका बहुत अच्छा जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है, सबके साथ मिलके चलो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो से अर्निंग होती थी, मैं घर चलाती थी ये सब, तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब YouTube पे इस तरह की वीडियो कोई नहीं बनाता था, जब बेबू भी नहीं बनाती थी, बेबू ने भी कोविड के टाइम पे इस तरह की वीडियो बनाई है, उससे पहले भी तो आपका घर किसी ने चलाया होगा ना, आपको पाल पोस के किसी ने इतना बड़ा किया होगा, तो वो जिम्मेवारी आगे भी ले सकते थे मेरे बच्चे। और जिसको आप दीदी बोलते ना, जो क्ले रानी दीदी है, वो भी बेबू के बाद ही आई है, और उसके भी दो बच्चे हैं, तो उसका भी घर किसी ने चलाया था ना, वो पहले से रह रही है, शादी भी करी है, दो बच्चे भी पैदा करे हैं, सब कुछ किया है ना, सब कुछ किया है, उसका भी तो घर किसी ने चलाया। क्या अभी स्पेशल घर चल रहा है क्या सब लोगों का इसी चीज से? सब लोग बोलते हैं नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं अर्निंग करती हूँ, मैं ये करती हूँ, क्यों बोलते हो भैया ऐसे? उससे पहले कौन आपका घर चला रहा था ये बताइए आप? ये तो कोविड के टाइम से बेबू ने स्टार्ट की थी, तब से ये सब चला है, और बेबू को सब गाली देते हैं कि उसने इस तरह की वीडियो बनाई। मैं मानती हूँ, बिल्कुल ठीक, आप बेबू को गाली देते हो, लेकिन बेबू तो यहाँ से अब छोड़ के चली गई, वो कोई फॉलो नहीं करता बेबी को,
अब उसकी ये अच्छाई कोई नहीं बता रहा कि उसने छोड़ दिया तो हम भी खाना छोड़ दें, हम भी चैनल बंद कर दें। नहीं, बस खाना सिखा गई वो याद है, वो खाना छोड़ के चली गई है वो किसी को याद नहीं है। उसने अपने अच्छे के लिए सोचा ना, उस लड़की ने, वो भी अनमैरिड लड़की थी, पीजी में रहती थी, उसकी वीडियो से लगता था, देखो उसने अपनी लाइफ का खुद सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, कितने ज्यादा उसके सब्सक्राइबर थे, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा कि चलो मैं कुछ और कंटेंट लेके आऊं, कुछ मिलाऊं। वो लालची नहीं निकली ना, इसका मतलब पढ़ी लिखी समझदार लड़की निकली ना, मतलब उसने थोड़ी सी गलती करी, उस गलती का रियलाइज उसने किया और उसके बाद उसने वो कंटेंट छोड़ के वो चली भी गई है। और जो ये छोटे मोटे बच्चे है ना, जो छोटी मोटे बच्चे, इन्होंने इस चीज को पकड़ लिया। और कुछ चतुर चल्लाक जो लेडीज है ना, दो बच्चों की माँ, उन्होंने तो इसको बिजनेस ही बना डाला। ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जय बेटा, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो बेटा बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, और इस तरह के वीडियो ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। और एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है बेटा, ओके बाय, अपना ध्यान रखना, ओके।